जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल डीसी क्लासेस में स्वागत है। और आज फिर क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हिस्ट्री का क्लास 10th हिस्ट्री वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 के लिए ये आपका पार्ट 3 है। जो विद्यार्थी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाकर देख लेंगे। पार्ट वन और पार्ट टू जो है अपलोड कर दिया गया है। और हर वीडियो में हम आपको ये बताते आ रहे हैं कि जो विद्यार्थी 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये पार्ट बाय पार्ट जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री का दे रहे हैं वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वीडियो, ये क्लास जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ जितने भी विद्यार्थी हैं वो जो है ना इसका लाभ उठाएं। हम आप सबके लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना चाहिए, है ना। तो पार्ट वन और पार्ट टू अपलोड कर दिया गया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। और कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी हम छोड़ते हैं, उसका आंसर भी आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए तो पार्ट थ्री आज हम लोग हिस्ट्री का देखते हैं। पार्ट वन और पार्ट टू आपको चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। पार्ट थ्री में पहला क्वेश्चन जो है, अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, ऑप्शन क में है वियतनाम, ख में लाओस, ग में कंबोडिया और घ में थाईलैंड, है ना। तो आप सब बताइए अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या, कंबोडिया। क्या हो जाएगा, कंबोडिया। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे तो सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, ऑप्शन क में है सेडोन, ख में सेडोवा, ग में साइडाइन और घ में है फ्रैंकफर्ट। तो आप सब जानते हैं कि 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच होने वाले जो युद्ध था वो हुआ था कहाँ, सेडोन में। कहाँ हुआ था, सेडोन में। और 1866 में हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, वो हुआ था आपका सेडोवा में, है ना। तो याद रखना है। आगे देखिए, गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित की थी। गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित की थी, ऑप्शन क में है एवेनेजर हार्वर्ड, है ना, ख में है विलियम, ग में नेपोलियन तृतीय और घ में है आपका हॉसमान, है ना। तो सही जवाब हो जाएगा, यानी गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित की थी, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा एवेनेजर हार्वर्ड। अगला है देखिए, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। पहला वीडियो में शायद ये क्वेश्चन आया था, पहला या दूसरा क्लास में यानी पार्ट टू में आया था ये क्वेश्चन कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं। तो वो उसके आंसर हम लोग पढ़े थे पश्चिमी क्षेत्र से, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। तो गिरमिटिया मजदूर जो होता है वो एक अनुबंधित मजदूर होता है जो किसी के, है ना, किसी के मतलब अधीन में होकर वो काम करता है। तो इसका सही जवाब आपका क ही हो जाएगा, अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अनुबंधित मजदूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आप सबके लिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन क में है 1848, ख में 1858, ग में 1885 और घ में 1920। तो आप सब जानते हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था आपका 1920 ईस्वी में। यदि आपसे पूछ दे क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तब आपको याद रखना है 1885। कब, जब आपसे पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, ऑप्शन क में है अंग्रेज और ख में फ्रांसीसी, ग में पुर्तगाली और घ में डच। तो आप सब जानते हैं कि हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वो आपका कौन थे, पुर्तगाली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पुर्तगाली। और हर एक वीडियो में आपको 3 से 4 क्वेश्चन आप सबके लिए देते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। तो चलिए इस वीडियो में भी, है ना, इस वीडियो में भी आपके लिए 2-3 क्वेश्चन रहेगा।
आप लोग बताइएगा रंपा विद्रोह कब हुआ था, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, रूस में कृषक दास प्रथा कांड कब हुआ था, रूस में कृषक दास प्रथा कांड कब हुआ था, इसका भी आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में छापना है, जरूर से जरूर छापना है। एक क्वेश्चन और आप सबके लिए है ना, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी। तो ये मेरे भाई ये तीन क्वेश्चन जो है आप सबके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, छाप देना है। और इसी तरह से पार्ट बाई पार्ट हम आपके लिए हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन 2024 के लिए हम आपको पार्ट बाई पार्ट प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो जो विद्यार्थी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और यदि हमारा वीडियो अच्छा आप सबको लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सबको है ना थैंक यू ऑल ऑफ यू, और फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में।